नमस्कार, मैं आमिर। आगामी 7 नवंबर को कटिहार करेगा मतदान। जी हाँ, इसी कड़ी में हम विभिन्न जगहों पर जाकर या पड़ताल में जुटे हुए हैं कि आखिर वहाँ के लोग, वहाँ के निवासी इस बार किसे देंगे वोट। हम मौजूद हैं अभी कटिहार के वार्ड नंबर 2 शमशेरगंज में, और यहाँ पे जो बीते दिनों बारिश, लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से जल जमाव जैसी समस्याओं से सामना करना पड़ा था, जमाव जैसी समस्या उत्पन्न हो गई थी इस मोहल्ले में। आज भी हम आपको बता दें कि आज भी इस जगह में किस तरह के जल जमाव की समस्या है। आप देख सकते हैं इस चचरी का पुल, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने द्वारा पैसा को इकट्ठा कर, चंदा कर इस चचरी पुल का निर्माण कराया गया था। आखिर अभी भी पार्टी के लोग या कोई विधायक, यहाँ के सदर विधायक जी जो आकर निरीक्षण किए हैं या नहीं किए हैं, क्या है स्थिति यहाँ की वास्तविकता, आखिर क्या, किस तरह इन लोगों का रहना सहना होता है, किस तरह इन लोगों का खाना पीना हो रहा है। इस चचरी पुल में देखिए आप किस तरह से यहाँ के लोग आवागमन करते हैं। इस चचरी का पुल है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे जल जमाव की स्थिति को दिखाएं, और जो नन्हे नन्हे बच्चे सब हैं वो लोग किस तरह आते हैं, कितनी परेशानियाँ होती है उन लोगों को। एक यहाँ पर भाई साहब है, उनसे हम जानना चाहते हैं, कुछ बातों पर मुखातिब होते हैं। क्या नाम है? अब्दुल मतीन। ये कौन सा जगह? ये शमशेरगंज वार्ड नंबर 2। कौन है यहाँ के वार्ड पार्षद? वार्ड कमिश्नर है हम लोग का गिरिजी। गिरिजी जी। वर्तमान विधायक कौन है, पता आपको? तर्केश्वर। कभी आ रहे हैं जी? अभी तक का बारिश होने के कारण तो अभी तक ही नहीं है। जब से बारिश हुई तब से लेकर आज तक अभी तक नहीं आया। आए ही नहीं, बिल्कुल नहीं। बात करते हैं 7 नवंबर को कटिहार चुनाव है, मतदान है जी, तो आप भी करेंगे मतदान, किसको देंगे वो? अभी देखते हैं, सोचेंगे, उसका बाद देंगे। विचार क्या कहता है आप? विचार क्या कहेगा, जो जीतेगा उसी को देंगे। अरे भैया, आप वोट दीजिएगा तब ना कोई जीतेगा। जी हाँ जी। वोट किसको दीजिएगा, क्या लगता है किसको देंगे? राम प्रकाश महतो है, अभी देखते हैं। किशोर प्रसाद जी हैं, अब राम प्रकाश महतो जी को दिया जाएगा, क्या करेंगे? मजबूरी नहीं है तो क्या? देखिए आप लोग का सामने ही देखिए जल जमाव कितना है। अच्छा। अभी तक विधायक, एगो विधायक अभी तक नहीं आया, नहीं आज तक 40-50-60 बरस हो गया इस गांव का बसने से। अच्छा। आज तक रोड नहीं, सड़क नहीं, कोई आने जाने का कोई व्यवस्था है। कितनी आबादी होगी लगभग यहाँ पर? कम से कम तो 12,000-12,500 का आबादी है। अब्दुल मतीन है, जो कि इस चचरी पुल से होते हुए आ रहे हैं। हम उनसे भी जाने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ा, क्या इनको कोई और रास्ता मिला या नहीं। क्या नाम हुआ आपका? इकरामुल। कहाँ घर? कहाँ? घर तो हथिया दे रहा है। यहाँ पर ऐसे आ गए थे घूमने, कुटुम तली पुल देख रहा है, कभी देखे है? हम लोग देखेंगे ना। शहर में चचरी पुल देखे? नहीं, शहर में नहीं देखेंगे। होना जरूरी था, शहर में होना जरूरी था। जरूरी मैसेज जाता है इस तरह का? चुनाव भी है सर सामने, चुनाव तो है, देखिए क्या करता है। क्या लगता है यहाँ की जनता के मिजाज क्या हो सकता है? बहुत खराब होगा। बहुत खराब। क्या लगता है वोट किसको करेंगे? आप इसकी बात करें, अगर हम तो आप किसको देंगे वोट? वोट तो हम लोग महतो जी के देंगे। महतो जी आते क्या है, कभी आए हैं? हाँ, वो तो आता है इस मोहल्ले में, कभी आए हैं? वो आएगा, उसको है। किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ा, कैसे आप बाइक लेकर जा रहे हैं? परेशानी कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। सही है। इनको भाई भाई को एक चचरी का पुल है, जान को हथेली में लेकर यहाँ पे लोग इस चचरी पुल के माध्यम से आवागमन करते हैं। बहुत सारे परेशानी तो आना लाजमी है और आई हुई होगी, क्योंकि यहाँ जल जमाव आप देख सकते हैं किस तरह घर में डूबा हुआ है। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहजहाँ। ये कौन सा जगह है? शमशेरगंज। चचरी पुल निर्माण कब हुआ था? डेट याद नहीं है, फिर भी अंदाज 1 महीने से ज्यादा हो गया। 1 महीने ज्यादा हो गया जी। पानी कब से जल जमाव की स्थिति? 1 महीने से ज्यादा होगा पानी। पानी भी 1 महीने ज्यादा। यहाँ के लोग किस तरह जीवन व्यापन कर रहे हैं? यही बांध के चचरी पुल टूटा हुआ, इसी रास्ते से आना जाना होता। हाँ। अब इसके अलावा और कोई रास्ता है क्या बाहर निकलने का? नहीं, कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ पानी है। यहाँ के विधायक से क्या अपील करेंगे? मैं चाहूंगा आप क्या, कहाँ कैसे जाएंगे इस जगह से वोट देने? नहीं जाएंगे, साधन है आपको वोट देने? नहीं जाएगा? नहीं। क्यों? साधन नहीं है, कहाँ से इतना घूम के कैसे जाएगा? अच्छा, वोट का मतलब नहीं देना है? नहीं। क्या नाम आपका? मोहम्मद शाहजहाँ, शमशेरगंज। आप देख सकते हैं यह शहर में नगर निगम वार्ड नंबर 2 की स्थिति है, जिससे हमको अभी ताज़ा अपडेट बता पा रहे हैं आपको कटिहार के शमशेरगंज की क्या स्थिति बनी हुई है। वर्षा
पिछले दिनों जो हुई थी लगातार वर्षा होने के कारण यहाँ पे जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और काफ़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ा था। यहाँ पे लोग किस तरह जीवन यापन करते हैं, अपने सहयोगी को कहेंगे दिखाएं, घर वगैरह को दिखाएं किस तरह लोग यहाँ पे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। इसके अलावा यहाँ कोई और रास्ता भी नहीं है, और भी कई लोग हैं जो कि देखिए आप चचरी पुल के माध्यम से देखिए चचरी पुल की ही होकर इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है,